हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर को हम लास्ट लेक्चर की कॉन्टिन्यूएशन में ही पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था कि थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसके बाद हम आज देखेंगे कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसके बाद एक और फॉर्म ऑफ एड्रेस इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। सो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन के विदिन या इंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक सिंगल एड्रेस ही प्रेजेंट होगा या एक सिंगल रेफरेंस होगा, चाहे वो मेमोरी एड्रेस हो, चाहे वो रजिस्टर को एक्सेस करने का तरीका हो, या फिर रजिस्टर स्पेसिफिकेशन हो, रजिस्टर का आईडी स्पेसिफाइड हो, लेकिन एक ही रेफरेंस होगा। तो इस केस में कैसे चीजें परफॉर्म होंगी और कैसे, जो लास्ट केस में हमने ऑपरेशन देखा था, ये वाला ऑपरेशन या इवेल्युएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय c प्लस d इंटू e, सो क्योंकि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो हम एक एड्रेस जो स्पेसिफाई करेंगे उसके अलावा जो भी रेफरेंस होगा उसे डुअल रोल परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में था। टू एड्रेस में हमने दो वैल्यूज ऑफ एड्रेसेस या रेफरेंसेस इंस्ट्रक्शन में डिस्प्ले कराई थी या फिर इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट थी और उनमें से एक डुअल रोल प्ले कर रही थी, सोर्स ऑपरेंड का भी और डेस्टिनेशन का भी। इस केस में, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के केस में, एक इम्प्लिसिट रजिस्टर हम कंसिडर करते हैं। प्रोसेसर का एक रजिस्टर हम इम्प्लिसिट ऑपरेंड की तरह या इम्प्लाइड एड्रेस की तरह यूज करते हैं और वो रजिस्टर मल्टीपल रोल प्ले करता है, सोर्स ऑपरेंड का भी और रिजल्ट स्टोर करने का भी। ठीक है, सो ये पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले हम। सो ओके, वन सोर्स ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, द सेकेंड सोर्स ऑपरेंड is implicit and what is the second source operand? This is a processor register. A processor register which acts as the operand, the source, as well as the रिजल्ट पोजिशन या रिजल्ट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो रिजल्ट पोजिशन, सो इट एक्ट एज, इट परफॉर्म्स डुअल रोल्स। और ये ऑपरेंड या फिर ये सेकेंड ऑपरेंड क्या होता है, वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, तो अब ये जो हमारी ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, इसे इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। रिमेम्बर कि आप एक ही एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन में और बाकी जो भी सेकेंड ऑपरेंड होगा वो होगा आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी सेकेंड ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपको पहले स्टोर करना पड़ेगा और फाइनल रिजल्ट भी आपको एक्यूमुलेटर रजिस्टर या एसी जिसे हम कहते हैं उसमें स्टोर करना पड़ेगा। So let's write down what will be the instructions in this case. सबसे पहले मैं start करूंगी यहाँ पे say by loading D into the accumulator register, या फिर okay start कर सकते हैं हम A को load करेंगे हम सबसे पहले accumulator register में, फिर accumulator register से subtract करेंगे contents that are present at location B, उसके बाद ये वाले कंटेंट्स जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आए हैं यानी a माइनस b, उन्हें हम y में लोड करेंगे ताकि वो इरेज ना हो जाए या रिप्लेस ना हो जाए जब हम नीचे वाली वैल्यूज कंप्यूट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले लोड a, आई विल राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज, देन सबट्रैक्ट b, देन डिवाइड store y
load D, multiply E, add C. Please notice that there is only a single address, okay, and store Y. So, इन सब का मतलब क्या है, meaning क्या है? Load A यानी destination accumulator register है, और तो accumulator register में A location के contents को load करो. Subtract B, हमारा एक source operand है accumulator, accumulator में से subtract होगा B, और destination भी accumulator है. फिर हमारे पास A minus B accumulator में आ गया, उसके बाद मैंने डिवाइड करा है y, यानी accumulator डिवाइडेड by y. Just a minute. Okay, so I wrote this instruction a bit wrong. This won't be present here. सबसे पहले हमने क्या किया? Accumulator में A को load किया, उसके बाद accumulator से subtract किया B की value को, और फिर स्टोर वाई इंस्ट्रक्शन रन करी, यानी एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आ गई उसे वाई में ट्रांसफर करा. सो बेसिकली अब वाई में ए माइनस बी कंटेंट प्रेजेंट है. अब हम नीचे डिनोमिनेटर को एक्यूमुलेटर में लाएंगे एक एक करके कंप्यूट करके. सो एक्यूमुलेटर में मैंने पहले डी को लोड किया, फिर मल्टीप्लाई करे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को ई के कंटेंट्स के साथ, ई लोकेशन पे प्रेजेंट कंटेंट्स के साथ, फिर उसके बाद C वैल्यू एड करी और इस पॉइंट पे डिवाइड Y ऑपरेशन परफॉर्म किया. सी यहाँ पे मैंने जो डिवाइड Y ऑपरेशन लिखा है, इट इज एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आएगी वो होगी Y डिवाइडेड बाय AC. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया या डिविजन ऑपरेशन हो गया, तो सिस्टम में किस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं बाय दीज इंस्ट्रक्शन. अगर डिवीजन ऑपरेशन कहता है कि जो भी ऑपरेंड लिखा गया है वो एज अ न्यूमरेटर होगा या फिर दैट वुड एक्ट एज अ डिविडेंड, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना डिवीजन परफॉर्म करना है. या फिर अगर आप इसमें लिखा गया है जो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस है कि डिवाइड एक्स, मतलब एक्स वुड एक्ट एज अ डिवाइजर, so that would mean a very different thing. ठीक है, तो दो मीनिंग हो सकते हैं डिवाइड x के, या तो x डिवाइड by accumulator register या फिर accumulator register डिवाइडेड by x. तो आपको ये जब आप इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकली कॉलेजेस वगैरह में, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. ये छोटी छोटी बातें हैं, बट दिस कैन रिजल्ट इंटू अ रॉन्ग result when the wrong output when you are actually implementing it in your practicals. ठीक है, so या फिर आप क्या करते हो, आपको क्या करना चाहिए, theory exams में आपको अपनी assumptions लिख देनी चाहिए कि when I am writing this instruction what I mean is that this value would act as a dividend or as a divisor, whatever you are assuming. ठीक है, तो आज के अभी इसके इस lecture का ये purpose था one address instruction को use करते हुए same एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सेम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करा है इन 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंस्ट्रक्शंस, और लास्ट केस में हमने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए 4 इंस्ट्रक्शंस यूज करी थी और 6 इंस्ट्रक्शन यूज करी थी इन केस ऑफ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. लेकिन 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट द डबल ऑफ 3 address instructions. So this is a disadvantage in this case that more instructions are required, and again it is a bit tricky to understand for a new user or for a new programmer, or write down the programs by remembering that what is the implied register and which register is being used and how it will act as both source and destination. So these are the both advantages, sorry, disadvantages of this, but yes, the advantage is that it is concise to write. Now coming to the last type of address instruction, it is zero address instruction. Now you must be very curious to know what is a zero address instruction. See, a zero address instruction means the case when we do not have to tell any address and the address is automatically understood. Hame instruction mein अगर कोई एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है और प्रोसेसर को पता है कि इन
टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली यही एड्रेस या फिर यही सिनेरियो यूज किया जाएगा जहां पे प्रोसेसर को पता है क्या एड्रेस यूज करना है डिफरेंट केसेस में. तो उस केस में हम कहते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज हम कर रहे हैं. और जनरली ऐसा कब होता है? इट इज डन और इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ स्टैक. सो दिस सिनेरियो इज पॉसिबल ओनली इन केस व्हेन वी आर डीलिंग विद स्टैक. पॉसिबल ओनली फॉर स्टैक. एंड व्हाई इट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्टैक? क्योंकि सिस्टम में स्टैक एक नोन लोकेशन पे प्रेजेंट होता है. स्टैक इज जनरली प्रेजेंट एट अ नोन लोकेशन. उसका स्टार्टिंग एड्रेस जनरली पता होता है प्रोसेसर को, और ये भी पता होता है कि करंट स्टैक के जो भी कंटेंट्स है उन कंटेंट्स के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द स्टैक में क्या वैल्यू है. टॉप ऑफ द स्टैक कौन से एड्रेस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है? सो टॉप ऑफ द स्टैक इज अ पॉइंटर, एंड पॉइंटर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप मोस्ट लोकेशन इन द स्टैक. तो जनरली प्रोसेसर को ये तो पता होता है कि मेमोरी में या स्टैक कौन से एड्रेस से कौन से एड्रेस तक प्रेजेंट हो सकता है. जनरली एक्सपैंड करता है स्टैक, तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है प्लस करंट टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पॉइंट कर रहा है. और कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स ऐसे भी होते हैं जहां पे सिस्टम टॉप टू एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक को स्टोर करके रखता है ताकि क्विक रिट्रीवल या क्विक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके और ज्यादा टाइम ना लगे स्टैक के ऊपर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में. दो एलिमेंट्स आर वेरी सफिशिएंट. जनरली हमें टॉप ऑफ द स्टैक की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर दो एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़ी तो भी वो ऑपरेशन क्विक इनफ टाइम में हो सकता है. सो स्टैक इज प्रेजेंट इन अ नोन लोकेशन, इसीलिए हम बिना एड्रेस स्पेसिफाई करे उसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड जनरली टॉप टू एलिमेंट्स सम सिस्टम स्टोर टॉप टू एलिमेंट्स इन द प्रोसेसर रजिस्टर. सो टॉप टू एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन प्रोसेसर रजिस्टर्स. सो जैसे पुश पॉप या रिट्रीव द टॉप एलिमेंट, ये जो सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हम कुछ ऑपरेंड स्पेसिफाई कर रहे हैं या कुछ एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं. सो पुश मींस पुश ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, और टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस पता ही है प्रोसेसर को. सो हमें एड्रेस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी और इसलिए ये एक जीरो एड्रेस लोकेशन या जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बनी. अब इसके बाद एक ओवरव्यू देखेंगे कि अभी तक हमने जो चार एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, थ्री एड्रेस, टू एड्रेस, वन एड्रेस और जीरो एड्रेस, उसमें अगर कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड है तो उसका मीनिंग क्या होता है. एक शॉर्ट टेबल सी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी और आप उसे रेफर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आई हैव रिटन डाउन दिस टेबल. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन के केस में आपकी इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में होगी. सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी, ऑपकोड ओपी रिप्रेजेंट्स ऑपकोड, ठीक है, ऑपकोड और दो सोर्स ऑपरेंड्स के रेफरेंसेस और एक डेस्टिनेशन. इसमें से डेस्टिनेशन कौन सा है? ए डेस्टिनेशन है. सी आई एम कंसिडरिंग अ जेनेरिक स्ट्रक्चर. मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स में डिफरेंट तरीके से असाइन किया जा सकता है. ऐसा कुछ सिस्टम्स में हो सकता है कि पहले दो ऑपरेंड सोर्स ऑपरेंड्स हो और थर्ड ऑपरेंड डेस्टिनेशन हो. सो अभी मैं ये फॉलो कर रही हूं कन्वेंशन कि पहला ऑपरेंड डेस्टिनेशन है इस केस में. सो ए में बी ऑपरेशन सी की वैल्यू आ जाएगी. बी और सी पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ए लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी. उसके बाद टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो ए और बी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो वैल्यू स्टोर होगी ए पे, ठीक है. तो यहां पे ए का डुअल रोल है, सोर्स भी डेस्टिनेशन भी. इसके बाद वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन आती है जिसमें सिंगल ऑपरेशन के साथ या ऑपकोड के साथ एक सिंगल एड्रेस रेफरेंस है और उसकी सेकंड
ऑपरेंड, सेकेंड सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन की लिए हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज कर रहे हैं. सो एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर ऑपरेशन ए परफॉर्म होगा. और जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अगेन इट इज अ जेनरिक फॉर्म दैट आई एम अज्यूमिंग. ओके, यहाँ पे ए ऑप ए सी भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर ही रहेगा. अब यहाँ पे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमें ऑपरेशन स्पेसिफाई किया जाएगा या ऑपकोड स्पेसिफाई किया जाएगा. और इन केस अगर ये पुश या पॉप ऑपरेशन है तो सीधा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा. लेकिन अगर सपोज ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है और सिस्टम ये अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टैक कंटेंट्स पे अलाउ करता है तो वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, से एड है तो टॉप ऑफ द स्टैक में टॉप टू एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा. यानी अगर आपके पास एक स्टैक है जिसके टॉप दो एलिमेंट्स है वन और टू, ठीक है, टू इज द टॉप ऑफ द स्टैक एंड वन इज द एलिमेंट दैट इज द सेकेंड एलिमेंट आफ्टर द टॉप ऑफ द स्टैक और द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द अबव, तो वन और टू पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और सिंगल रिजल्ट स्टोर हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक में. ठीक है, अब वो रिजल्ट रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग टॉप ऑफ द स्टैक था. ठीक है, सो ये अगेन अजम्पशंस है, सिस्टम डिपेंडेंट होती है, लेकिन द मेजर पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट थ्री एड्रेस, टू एड्रेस, वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस रिमेन द सेम. इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली डिपेंडेंट होगी क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि हाउ द आर्किटेक्चर इज बींग इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज वॉट आई टोल्ड यू. सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास. इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक press the bell icon to get the notifications of our new lectures, share it with your friends, let us know in the comment section below how did you find this video and give it a thumbs up. Thank you.